आखिर क्यों इंडियन यूथ गवर्नमेंट जॉब को छोड़कर प्राइवेट जॉब की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, और आज आप सबसे पहली बार किसी लिविंग थिंग की नहीं बल्कि हमारी अर्थ की धड़कनों को सुनने वाले हैं। तो सुनते वक्त अपनी धड़कनों को जरूर थाम लीजिएगा वरना कंफ्यूजन हो जाएगा भैया। साथ ही साथ क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों स्कूटी में इस तरीके के एक छोटे पाइप को दिया जाता है? तो कबीर सिंह के दुख में उसका साथ देते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के नॉलेजेबल अध्याय को। वेल दुख इसलिए क्योंकि भैया प्रीति ने धोखा जो दे दिया भाई को। पल पल में ना खा रहा देखा वे गोरिया। गाइस इस वाले फैक्ट को देखने के बाद आप भी चाइनीज को देखकर करेंगे आय हाय, क्योंकि भैया इन्होंने आर्टिफिशियल बनाकर तैयार जो कर दी है गाय। अब देखो गाय के ऊपर ऐसे बेहतरीन राइमिंग मैं नहीं कर सकता क्योंकि हम इंडियंस के लिए एक सेंसिटिव टॉपिक होता है और मुझे मेरी जान प्यारी है। असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा लेकिन प्रेजेंट डेट में चाइना में मिल्क प्रोडक्शन काफी ज्यादा गिर गया है, जिसको कि वापस ट्रैक पर लाने के लिए इन लोगों ने नेचुरल डीएनए के साथ छेड़छाड़ करके उसे कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है कि उससे जन्मी एक गाय एक साल के अंदर 1,00,000 लीटर से भी ज्यादा दूध को दे सकती है। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि चाइना में ऑलरेडी अभी तक 3 ऐसी गायों को बनाकर भी तैयार किया जा चुका है। और मैं कहूंगा कि भैया तुम लोगों की मेहनत गई बर्बाद, क्योंकि भैया तुम लोगों के दूध पीता कौन है? इससे बढ़िया तो चमकादड़ और बिस्कपड़ा बना लेते, कम से कम खा के काम तो चल जाता तुम लोगों का। अबे दिमाग कहां गया तुम्हारा? गाइस नॉर्मली लोग मन की और शरीर की शुद्धि के लिए या तो मेडिटेशन करते हैं या फिर नहाते हैं, लेकिन शुद्धि के लिए सिगरेट का धुआं कौन लेता है यार? असल में गाइस आप ये जानकर हिल जाएंगे लेकिन इक्वाडोर के एक बेहद ही फेमस ट्रेडिशन के अनुसार यहां के लोग हर हाल में साल में 2 बार कुछ इस तरीके से सिगरेट के धुएं को अपनी बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाकर भैया एक अलग ही लेवल की शुद्धि में विश्वास रखते हैं, क्योंकि इन लोगों का कुछ ऐसा मानना है कि ऐसा करने से ये बड़ी से बड़ी बीमारी और नेगेटिविटी से काफी ज्यादा दूर होकर काफी ज्यादा शुद्ध हो जाएंगे। हां वो बात अलग है कि चचा धुआं फेंक फेंक के अपने फेफड़ों को अशुद्ध कर लेंगे, उसे बाद में कंसीडर करेंगे। अरे अरे चाचा ये कहाँ शुद्धि कर रहे हो भाई, इसके लिए टॉयलेट पेपर और पानी होता है। भैया चाचा तो कुछ ज्यादा ही सीरियस ले रहे हैं अपनी जॉब को। गाइस अगर आपको भी बनाना है अपना भविष्य सुहाना तो अभी से ही शुरू कर दो अपने पड़ोसी के कुत्तों को घुमाना। वेल अब ऐसा मैं नहीं बल्कि यूएसए के लोग कह रहे हैं। अबे क्या कह रहे हैं, वो तो कर रहे हैं। असल में गाइस अभी जानकर हिल जाएंगे लेकिन प्रेजेंट डेट में यूएसए में प्रोफेशनल डॉग वॉकर की जॉब बहुत तेजी के साथ भर्ती हुई चली जा रही है, जिसमें लोग कुछ और नहीं बल्कि अलग अलग घर में जाकर उसमें मौजूद डॉग्स को अलग अलग जगह पर घुमाने का काम करते हैं, क्योंकि प्रेजेंट डेट में लोगों के पास टाइम की काफी ज्यादा कमी है जिसके चलते हुए वो अपने डॉग्स को प्रॉपर तरीके से नहीं घुमा पाते। अब हैरानी की बात ये है दोस्तों कि अभी हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट से बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि इन तरीके के प्रोफेशनल डॉग वॉकर की जॉब से ये लोग सालाना 4 करोड़ रुपए तक कमा रहे हैं। अजीब लेकिन सच। गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा लेकिन हम ह्यूमंस और जानवरों की तरह हमारी अर्थ की भी अपनी अलग से एक धड़कन यानी कि बीट होती है। अब हैरानी की बात ये है दोस्तों कि साल 1960 से लेकर आज तक दुनिया भर के लगभग 600 सेस्नोमीटर्स ने इस अजीब सी धड़कन को रिकॉर्ड किया है जो कि हर 26 सेकंड के बाद हार्ट बीट की तरह प्रोड्यूस होती है, लेकिन आज तक भी कोई भी साइंटिस्ट इसके एक्चुअल सोर्स को नहीं ढूंढ पाया है। तो अगर ये चीज इतनी ज्यादा रेयर है तो भैया माय इंडिया आर्मी का इसे सुनना तो बनता ही है। गाइस क्या आपको बताएं कि हमारे देश भारत में एक ऐसा वाटरफॉल भी मौजूद है जो कि चुटकी बजाते ही आपकी कर सकता है इज्जत को साफ, क्योंकि भैया ये जो बता देता है कि आपने अपने जन्म में कितने किए हैं पाप। तो देखो अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है और आप पापी हो तो जहां बता रहा हूं वहां भूलकर भी मत जाना क्योंकि बहुत बेइज्जती होती है। असल में गाइस अभी जानकर हिल जाएंगे लेकिन भारत के उत्तराखंड में मौजूद वसुधारा फॉल्स को एक ऐसा झरना माना जाता है जिसके बारे में यह माना जाता है कि अगर कोई भी इंसान के दिल में कोई भी खोट या फिर पाप है तो इस वाटरफॉल की एक भी बूंद उस इंसान के ऊपर नहीं पड़ती। और ऐसा सिर्फ हम इंडियंस का ही नहीं बल्कि बहुत से विदेशियों का भी मानना है। हालांकि साइंस इसे पूरे ही तरीके से मिथ कहती है लेकिन इस वॉटरफॉल में आस्था रखने वाले आज भी इसे एक चमत्कारी वॉटरफॉल की तर्ज पर पूजते हैं। वैसे क्या एक्चुअली में ऐसा कोई चमत्कार हो सकता है या फिर नहीं, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। उसी के बाद ही जाऊंगा मैं इस वॉटरफॉल में नहाने। गाइस तो हम सभी जानते हैं कि दुबई में बारिश की हालत ठीक वैसी ही है जैसे आज से कुछ समय पहले बॉलीवुड में कमाई की हुआ करती थी, यानी कि भैया पूरी तरीके से सूखी सन्नाटा बाय बाय। लेकिन क्या आपको पता है कि अपनी इसी सिचुएशन को बदलने के लिए दुबई के शेख साहब ने क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जिसके तहत वो 1 घंटे की आर्टिफिशियल बारिश कराने के लिए ही लगभग $140 मिलियन खर्च किया करते थे। लेकिन देखो भैया नेचर को शेख साहब की फूफी तो है नहीं कि शेख साहब जो भी कहते जाएंगे नेचर वो ही करेगी। तो भैया इस सिचुएशन में हुआ कुछ ऐसा कि इसी आर्टिफिशियल बारिश की वजह से दुबई के एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे चेंजेस होने शुरू हो गए जिसकी वजह से दुबई में आज एक दिन में उतनी बारिश हो जाती है जितना पहले 4 सालों में होती थी, और इसलिए प्रेजेंट डेट में हर 3 से 4 महीने के बाद दुबई की हालत हमारी अडानी साहब की वेल्थ की तरह नजर आती है, यानी पूरी तरीके से डूबी हुई। और गाइस यही चीज हमें कहीं ना कहीं ये रियलाइज कराती है कि आप सबसे पंगे ले सकते हैं लेकिन भैया नेचर से कभी भी मत पंगे लेना।
गाइस ये तो हम सभी को पता है कि इजिप्ट के जादूगरों को काफी ज्यादा माहिर माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा एक्चुअली में क्यों माना जाता है? वेल गाइस ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि इजिप्ट के जादूगरों ने कभी बिहार के चोरों के दर्शन नहीं किए, क्योंकि अगर वो बिहार के चोरों के दर्शन कर लेते तो भैया वो उनके पैरों में ही पड़े हुए नजर आते, क्योंकि भैया देखो बिहार में रात में मोबाइल टावर होती है, सुबह वो गायब हो चुकी होती है, फिर ब्रिज होता है सुबह तक भैया वो भी गायब हो चुका है, और अब तो यहाँ के चोरों ने 2 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक को ही गायब कर लिया। अरे बिहार के चोरों कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के पीछे लगे हुए भाई लोग तुम लोगों? असल में कैसे आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन अभी हाल ही में बिहार के कुछ चोरों ने कुछ और नहीं बल्कि 2 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक को ही एक रात में चोरा कर गायब कर डाला। हालांकि ये काम किसने किया है अभी तक, जब तक मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ अभी तक भी इसका खुलासा नहीं हो पाया। पर भाई लोगों अगर तुम में से कोई देख रहा है, अबे रात में मेरे फूफा जी गए थे उस ट्रैक से, वापस कैसे लाऊं? ब्रिज है नहीं, रेलवे ट्रैक है नहीं, मेरे तो फूफा ही वहीं अटक गए। हेलो, हाँ बुआ जी प्रणाम। क्या मतलब कि फूफा जी को वापस मत लाओ? नया ढूंढ लूंगी? अरे ऐसा थोड़ना होता, आएंगे फूफा जी बुआ। गाइस क्या आपको पता है कि नीदरलैंड्स इस पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी कंट्री बनने वाली है जिसके बच्चे अर्थ के साथ साथ अब स्पेस में भी पैदा होंगे। असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन नीदरलैंड्स की एक कंपनी स्पेस बॉर्न यूनाइटेड एक ऐसी बायो सैटेलाइट को बना रही है जिसके अंदर IVF टेक्नोलॉजी के थ्रू स्पेस में बच्चों को पैदा किया जा सकेगा, और इन बच्चों को नीदरलैंड्स में स्पेशली स्पेस बेबीज के नाम से जाना जाएगा, जिसके लिए ऑब्वियसली उन बेबीज के पेरेंट्स से भैया करोड़ों रुपए भी ऐंठे जाएंगे। हालांकि ये चीज काफी ज्यादा ऑसम है, लेकिन भैया इंडिया में हमें कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम पे हमारे प्यार में पड़े निब्बा निब्बी नहीं चल रहे, तो हमारी छाती पर स्पेस बेबीज और लाकर रख दो। गाइस बचपन से ही हम सभी ये सुनते हुए आ रहे हैं कि हमारे साइंटिस्ट एक ऐसी मेडिसिन बना रहे हैं जो कि हम इंसानों को अमर बना सके, लेकिन भैया सच बोलूं ना तो मेरे चिकने चिकने गालों पर भारी भारी दाढ़ी भी आ गई, लेकिन वो मेडिसिन मार्केट में ना आके दी। खैर ये तो चलता ही रहेगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस अर्थ पर एक्चुअली में एक ऐसी फिश भी मौजूद है जो कि हकीकत में अमर है। असल में कैसे अभी जानकर हिल जाएंगे, लेकिन मेड्यूसा जेलीफिश को अर्थ पर रहने वाली इकलौती ऐसी फिश माना जाता है जो कि कभी भी नहीं मरती, क्योंकि जैसे ही इसकी लाइफ साइकिल पूरी होती है इसका शरीर समुद्र की तलहटी में चला जाता है, और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में इसकी कोशिकाएं दोबारा से खुद को रिक्रिएट करने लगती है, एंड एज अ रिजल्ट मरी हुई ये जेलीफिश महज 20 से 25 दिन के अंदर दोबारा से जिंदा हो जाती है, और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए इस फिश को अमर माना जाता है। तो गाइस अगर इन्हीं तरीके की वीडियोस और इस नॉलेज को भी आप अमर करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। गाइस क्या आपको बताया कि हमारे देश भारत में एक ऐसा मंदिर भी मौजूद है जहां पर भैया प्रसाद में स्वीट्स फल फूल नहीं बल्कि जिंदा क्रैब्स यानी कि केकड़ों को ही चढ़ाया जाता है। असल में गाइस आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन गुजरात के सूरत में मौजूद रामनाथ शिव घेला मंदिर एक ऐसा टेम्पल है जिसकी ये मान्यता है कि अगर आप यहां पर कुछ और नहीं बल्कि इस तरीके से जिंदा केकड़ों को ही ईश्वर को अर्पित करते हैं तो आपको कान यानी कि ईयर संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं वो सारी की सारी परेशानियां आपकी सॉल्व हो जाएंगी, और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए इस टेम्पल में श्रद्धालु आपको नॉर्मल चीजों की बजाय कुछ इस तरीके से जिंदा क्रैब्स को ही चढ़ाते हुए नजर आते हैं। स्ट्रेंज बट ट्रू। गाइस क्या आपको पता है कि सिंगापुर के सैम अपने अंदर भैया एक ऐसी शक्ति को धारण किए हुए हैं जिसके चलते हुए ये एक ऐसी चीज के टेस्ट को बताते हैं जिसको पीते वक्त हमें टेस्ट का टी भी याद नहीं आता, और वो है वाटर यानी कि पानी। असल में गाइस सैम अभी तक इस पूरी दुनिया के इकलौते वाटर टेस्टर हैं जिनकी टंग इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि ये बेहद ही आसानी से 20 अलग अलग तरीके के पानियों को पीकर सिर्फ टेस्ट के दम पर ही ये बता सकते हैं कि किस पानी में कितने परसेंटेज में मिनरल्स मौजूद हैं, और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए सैम ना सिर्फ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड को ओन करते हैं बल्कि भैया इस साल में करोड़ों रुपए छापते भी हैं। अजीब लेकिन सच। गाइस क्या आपको पता है कि इतिहास में जापान पर भैया 3 ऐसे लोग भी मौजूद थे जिनको देखने के बाद आपको अपनी परेशानियां भी काफी ज्यादा छोटी लगेंगी, क्योंकि हैं ही जो इतने बड़े ये। असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन इनिशियल स्टेज पर जापान में कुछ इस तरीके के 3 जॉइंट वॉरियर्स भी मौजूद हुआ करते थे जिनका की काम दुश्मनों से अपने देश की सुरक्षा करना होता था। बट अनफॉर्चुनेटली जब साल 1945 में अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा के साथ दिवाली का जश्न मना दिया तो उसी दिवाली के जश्न के बीच इनका दिवाला निकल गया, मतलब इनका टाटा बाय बाय गुड बाय हो गया, और उसी के बाद से लेकर आज तक जापान में दोबारा से कभी भी इन जॉइंट वॉरियर्स ने जन्म नहीं लिया, और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए उन 3 वॉरियर्स में से भी एक वॉरियर की एग्जैक्ट सेम क्लिप को रेफरेंस की तर्ज पर एक जैपनीज मूवी में भी लिया गया है। अजीब लेकिन रेयर। करंट अफेयर की तर्ज पर है, क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में साल 2023 के मोस्ट अवेटेड म्यूजिक अवार्ड ग्रैमी अवार्ड्स में भारत का डंका बज रहा है, क्योंकि बेंगलोर के कंपोजर रिकी केज ने 3रा ग्रैमी अवार्ड अपने नाम कर लिया है, और ये क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
आखिर क्यों स्कूटी में इस तरीके के छोटे पाइप को दिया जाता है? असल में गाइस हमें से बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि इस पाइप का मेन काम एक्सेस पेट्रोल या फिर गैस को निकालने का होता है, बट मुझे माफ करना भाई लोगों को, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो चलिए आज इस छोटे से पाइप के बड़े बड़े कारनामे के बारे में भी जान ही लेते हैं। असल में गाइस जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पेट्रोल इंजन हवा और पेट्रोल को मिक्स करने के बाद उसमें आग लगाकर चलता है। अब पेट्रोल तो ऑब्वियसली कोई भी पेट्रोल इंजन व्हीकल के पेट्रोल टैंक से ही लेता है, लेकिन हवा उसे बाहर एटमॉस्फेयर से लेनी पड़ती है, जिसके चलते हुए सभी पेट्रोल इंजन में एक एयर प्यूरिफायर चैम्बर को बनाया जाता है, जहां से इंजन हवा को सक करके उसे प्यूरिफाई करके आगे स्पार्क प्लग तक भेजता है। लेकिन इस तरीके के बॉक्स के साथ सबसे बड़ी परेशानी ये है दोस्तों कि अगर बाई चांस ये बॉक्स या फिर एयर सक्शन चैम्बर बरसात या फिर मॉइस्चर में काफी ज्यादा गीला हो गया है और उसमें एक्सेस पानी मौजूद है, तो वो पानी हवा के साथ अंदर इंजन तक जा सकता है, जो कि बेहद ही आसानी से आपके इंजन को डैमेज भी कर सकता है। और इसी परेशानी को दूर करने के लिए, इस चैम्बर के पानी को ड्रेन करने के लिए, इस चैम्बर में एक छोटे से होल को करके उस होल से एक पाइप को कनेक्ट कर दिया जाता है, ताकि किसी भी सिचुएशन में एयर सक्शन चैम्बर हमेशा ही ड्राई रहे और आपके इंजन को कम से कम नुकसान हो। सो फाइनली अब आप इस छोटे से पाइप के बड़े बड़े कारनामे के बारे में भी जानते हैं। आखिर क्यों इंडियन यूथ गवर्नमेंट जॉब को छोड़कर प्राइवेट जॉब की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है? असल में गाइस भले ही आपको ये चीज सुनने में काफी ज्यादा अजीब लग रही हो, लेकिन अभी हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट से बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि इंडिया के ऑलमोस्ट 43% स्टूडेंट्स आज सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट जॉब करने में ही इंटरेस्टेड है, जबकि बाकी के 37% स्टूडेंट्स को आज भी गवर्नमेंट जॉब करनी है और बाकी का जो परसेंटेज बना है भैया उन्हें बिजनेस करना है। इतना कमजोर मैथ ना है मेरा। तो वेल आखिर गाइस फिर ऐसे में सवाल तो जरूर उठता है कि जब एक गवर्नमेंट जॉब आपको पैसा, शोहरत, सिक्योरिटी और भविष्य में सुंदर वर और कन्या भी दिला सकती है, तो फिर आखिर क्यों इंडियन यूथ गवर्नमेंट जॉब को छोड़कर प्राइवेट जॉब के पीछे पड़ा हुआ है? असल में गाइस इसके पीछे बहुत से कारण है। बात अगर सबसे पहले कारण की जाए तो वो है कंपटीशन। असल में गाइस गवर्नमेंट जॉब में जॉब पाने का कंपटीशन प्राइवेट सेक्टर की तुलना में काफी ज्यादा है, और इस बात का अंदाजा आप साल 2018 की इस रिपोर्ट से लगा सकते हैं, जिसमें यह बताया गया था कि साल 2018 में यूपीएससी के एग्जाम्स में लगभग 11 लाख कैंडिडेट बैठे थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 758 कैंडिडेट्स को ही जॉब मिली। और यह आंकड़ा सिर्फ यूपीएससी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भैया गवर्नमेंट जॉब के हर एक सेक्टर में इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन है कि कई साल पढ़ने के बाद भी अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो भैया ऑनेस्टली आप अपने आप को लकी समझिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वहीं दोस्तों अब बात अगर दूसरे कारण की जाए तो वो है सैलरी। यस आई नो आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि भैया गवर्नमेंट जॉब की इनिशियल सैलरी या फिर मिनिमम सैलरी ही 18,000 रुपए से शुरू होती है, तो आखिर इस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर कैसे बाजी मार सकता है? असल में गवर्नमेंट जॉब में आपको प्रमोशन या फिर इंसेंटिव या तो बहुत देर से मिलता है या फिर बहुत ही ज्यादा मुश्किल से। लेकिन वही बात अगर प्राइवेट सेक्टर की जाए तो प्राइवेट सेक्टर में आप जितनी जल्दी अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप उतनी ही आसानी से प्रमोशन और इंसेंटिव को ले सकते हैं, जिसके चलते हुए लॉन्ग टर्म में एक प्राइवेट जॉब वाला इंसान गवर्नमेंट जॉब वाले एम्प्लॉय की तुलना में काफी ज्यादा अर्न कर पाता है। तो वही दोस्तों बात अब अगर तीसरे कारण की जाए तो वो है रिजर्वेशन सिस्टम। आज भारत की सभी गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन सिस्टम लगता है, लेकिन वही बात अगर प्राइवेट जॉब की जाए तो प्राइवेट कंपनी आपसे कभी भी आपकी कम्युनिटी या फिर कास्ट के बारे में नहीं पूछती। अगर आपके पास स्किल है देन यू आर मोस्ट वेलकम। तो वहीं दोस्तों बात अब अगर अगले मेन कारण की जाए तो वो है लोकेशन। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अगर प्राइवेट जॉब में आप अगर अपने पेरेंट्स को छोड़ना नहीं चाहते हैं तो आप उसी सिटी में रहकर जॉब कर सकते हैं जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में यह फैसिलिटी नहीं होती। साथ ही साथ प्राइवेट जॉब में आप जॉब को स्विच करके बेहद ही आसानी से कम समय में काफी ज्यादा ग्रो कर सकते हैं, बट अगेन गवर्नमेंट जॉब में आपको ऐसी फैसिलिटी या तो मिलती ही नहीं है, और अगर मिलती भी है तो आपको कई सालों तक दोबारा से मेहनत करके किसी दूसरी जॉब को क्रैक करना पड़ता है। साथ ही साथ प्रेजेंट डेट में पेंशन की फैसिलिटी भी अब गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा बड़ी डिफरेंस को पैदा नहीं करती, और शायद इसलिए प्रेजेंट डेट में इंडियन यूथ सिर्फ अपने नाम के ऊपर गवर्नमेंट जॉब का टैग लगाने से बचते हुए प्राइवेट जॉब की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। हालांकि हर जॉब की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लोग गवर्नमेंट जॉब नहीं करना चाहते। अरे लोग मर रहे हैं भाई उसके लिए। वैसे आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब या फिर कोई भी बिजनेस, अपने भाई को कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि एटलीस्ट मुझे भी तो पता चले मेरी माय इंडिया आर्मी के फ्यूचर प्लान्स हैं क्या। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर दिया होगा। आप चाहें तो मुझे सीधा इंस्टाग्राम पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको गूगल पर जाकर आकाश अरोड़ा टाइप करना है और गूगल देता सीधा सीधा आपको मेरी आईडी तक ले आएंगे। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।